जनपद सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया थाना क्षेत्र में कल हुई गैंगरेप की घटना का एसओजी सर्विलांस व पुलिस की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करने में सफलता पाई। आपको बता दें कि कल जनपद के चिल्हिया थाना क्षेत्र के रमगढ़वा में कुछ ग्रामीण निवस्त्र युवती को गांव से कुछ दूरी पर खेत में देखा था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। मौके पर थाना क्षेत्र की पुलिस व पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद घटना स्थल पर पहुंचे थे और एक एक बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच की गई थी। आज इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि गैंगरेप दो आरोपी पकड़े गए हैं, एक आरोपी पीड़िता का जीजा है तो दूसरा व्यक्ति उसी गांव का निवासी है। पुलिसिया पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है। परिवार वालों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। पीड़िता का अभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में चल रहा है। पकड़े गए अभियुक्तों को विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जा रहा है। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। कल सुबह 6 बजे लगभग थाना क्षेत्रांतर्गत चिल्हिया से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती बीओसी की हालत में अपने गांव के बाहर अर्धनग्न अवस्था में है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई, युवती को हॉस्पिटल ले गई, जहां से उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जहाँ पर युवती का भी इलाज चल रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण से ये स्पष्ट था कि ये प्रथम दृष्टया सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, जिसमें युवती के साथ कुछ अनहोनी हुई है। इसमें तुरंत टीमों को लगाया गया। परिवार के द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तहकीकात के दौरान इसमें सीडीआर के आधार पर सबसे पहले शक इसके जीजा अतीउल्लाह पे गया। पुलिस ने इसको जब हिरासत में लिया और प्रॉपर पूछताछ की गई इससे, तो इसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसने बताया कि पीड़िता इसकी साली है और इसने घटना दिनांक को इससे सुबह फ़ोन पे भी बात करी थी और फ़ोन पे बात करके इसने रात्रि में इसे बाहर एक खेत में बुलाया था, गाँव के बाहर। वहाँ पे युवती इसके लिए खाना भी लेके गई थी। इसके साथ एक और इसी गाँव का लड़का था दिशा। फिर बाद में इन दोनों ने मिलकर युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। पहले उसने विरोध किया, विरोध करने के बावजूद उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। ये बहुत आवाज़ ना करते थे इसलिए उसका मुंह दबाए रखे। जब युवती ने बहुत ज़्यादा विरोध किया तो इसके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा मारपीट करी। इसके चेहरे पे, गले पे दांतों से भी वार किया गया, जिसके कारण ये उसमें मूर्छित हो गए। इसके बाद ही इन्होंने इस पर प्रहार करते रहे। जब इन्हें लगा कि ये मरा हुआ समझ के उसको वहाँ से छोड़ के ये लोग भाग गए। इसमें टीम ने 24 घंटे के भीतर इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें युवती इस समय बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिट है, जहाँ पे अभी उसकी